नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम श्री रामवक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित माटी की मूर्ति इस किताब पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग उस पर 10 जो वीडियो मैंने बना दिए हैं माटी की मूर्ति। इस किताब में 12 संस्मरण या रेखा चित्र हैं, उन 12 संस्मरणों को लेकर 12 वीडियो में डालने वाली हूँ। तो आज का ये 11वां भाग है, 11वां भाग और 11वां रेखा चित्र या संस्मरण, जिसका शीर्षक है सुभान खां। अब ये सुभान खां इस व्यक्ति के जीवन पर आधारित जो रेखा चित्र उन्होंने लिखा है या संस्मरण लिखा है, उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक ने इस रेखा चित्र में एक मुस्लिम व्यक्ति का जीवन चरित्र स्पष्ट किया है या उसका रेखांकन किया है। लेखक जब छोटे थे तो उनके गांव में सुभान खां नामक एक जो व्यक्ति रहते थे, जो मुसलमान थे, जिनको बचपन में लेखक बहुत बार उनके घर में काम करने के लिए आते हुए देखते थे और उनके साथ खेलते थे, मिलते थे, बातें करते थे, बहुत सारी बातें। एक तरह से एक जो मानवीय रिश्ता इनके साथ इनके परिवार का बन गया था। तो लेखक कहते कि सुभान दादा या सुभान खां को वो दादा कहकर बुलाते थे। और बहुत सारे जो एक छोटे से बच्चे के दिमाग में एक मुस्लिम व्यक्ति के प्रति किस तरह के प्रश्न है या उनके भगवान के प्रति किस तरह प्रश्न है, इन प्रश्नों को लेखक ने बहुत बारीकी से लिखा है। वे हमेशा सुभान दादा को ये पूछते रहते थे कि आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है क्या, और सुभान खां को लेखक दादा कहकर ये पुकारते थे। तो कहते कि सुभान दादा, आपके अल्लाह पश्चिम में रहते हैं क्या। उनकी लंबी दाढ़ी या सफ़ेद चमकती रोब जो होती थी लेखक को बहुत आकर्षित करती थी, और वो भी लेखक से बहुत प्यार करते थे, इसलिए लेखक उनके दाढ़ी में हाथ लगाकर एक तरह से नटखट जो बच्चों का स्वभाव होता है उस तरह की हरकतें करते थे, उनकी दाढ़ी पर जैसे उंगलियां घुमाना या फिराना ये करते थे। छोटे से बच्चे के मन में आने वाले तरह तरह के जो प्रश्न हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर दिया है। जैसे अल्लाह तो हर जगह रहते हैं, ऐसे सुभान दादा ने उस छोटे से बच्चों को उत्तर दिया था। फिर उन्होंने पूछा था कि आप पश्चिम में मुंह करके ही क्यों नमाज पढ़ते हैं। तब सुभान दादा ने उत्तर दिया था कि पश्चिम की ओर अल्लाह के रसूल आए थे और वही हमारे तीरथ है, इसलिए उस तरफ मुंह करके अल्लाह को याद किया करते हैं। बच्चे ने फिर प्रश्न पूछा कि आप कभी अपने अल्लाह से मिले हो या अल्लाह को आपने कभी देखा है, अल्लाह किस तरह दिखते हैं। ये प्रश्न तरह तरह के हैं। तो सुभान दादा, आप कभी तीर्थ यात्रा या आपके भगवान को मिलने कभी गए हैं ऐसा, या तीर्थ यात्रा के लिए कभी गए हैं ऐसा वो बच्चा सुभान दादा को कहने लगता है। तभी सुभान दादा के आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, क्योंकि गरीबी के चलते वो कहते कि उनके नसीब में अल्लाह के पास या तीर्थ के लिए या हज के लिए जाने की कभी ये नौबत नहीं आई। ऐसा नहीं है कि उनको जाने की इच्छा है लेकिन वो जा नहीं पाए, क्योंकि गरीबी ऐसी है। उनके अनुसार जब अल्लाह का बुलावा आएगा तब जाएंगे। उनके अनुसार कर्ज लेकर तीर्थ यात्रा नहीं की जाती और वो जो पुण्य हो नहीं मिलता। जब भी जाएंगे तब बच्चे ने या उस छोटे से लेखक रूपी बच्चे ने कहा कि मेरे लिए वहाँ से खजूर ज़रूर लेके आना। यह बात सुभान दादा आजीवन याद रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब लेखक बड़े होते हैं तब सुभान दादा हज के लिए जाते हैं और आते समय लेखक के लिए खजूर भी लेकर आते हैं। ये बात की बातें हैं, लेकिन इसके पहले लेखक ने लिखा है कि अपने काम के प्रति अत्यंत निष्ठावान सुभान दादा कभी भी काम में आलस नहीं करते थे, आनाकानी नहीं करते थे। लेखक के घर में जब जब दीवारों की मरम्मत का काम निकल आता था तो सुभान दादा को याद किया जाता था या सुभान दादा की ज़रूरत पड़ती थी तब तब सुभान दादा को बुलाकर ये लोग वो काम करवा के लेते थे। उनके शरीर का वर्णन भी लेखक ने किया है। उनकी दाढ़ी अत्यंत सघन और छाती तक जैसे आती थी ऐसा कहा है, और उनके चेहरे पर हमेशा एक रौनक रहती थी या नूर बरसता था। जबान हमेशा मीठी रहती थी, हमेशा सबके साथ वे अच्छा व्यवहार करते थे। लेखक को बचपन में ही जैसे सुभान दादा की जो सफ़ेद दाढ़ी है बहुत प्रिय थी, और वो कहते हैं कि मुझे कब दाढ़ी आएगी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी ऐसी दाढ़ी रखूंगा। ऐसे वे छोटे से बालक के द्वारा सुभान दादा को कहे हुए इसमें कथन आए हैं।
आपने आपके भगवान को कभी देखा है? ऐसा प्रश्न करने पर सुभान खां या दादा कहते कि इन संसार में दो ही चीज़ें ऐसी हैं भगवान को हम देख सके, इतना नसीब हमारा कहाँ है। और सुभान दादा अपने काम में ही भगवान को देखते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे इस संसार में सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ें प्रिय है, एक तो मेरा काम, या सुभान दादा को उनका काम तो प्रिय था ही, और दूसरा उनके अल्लाह, ये सबसे ज़्यादा प्रिय थे। काम में कभी आनाकानी नहीं करना और नमाज़ पढ़ने के लिए वो, या नमाज़ कभी पढ़ना नहीं छोड़ना, अपने नमाज के प्रति भी वो बहुत निष्ठावान थे। ये दोनों भी काम वो बहुत ही सतर्कता के साथ और निष्ठा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ करते थे, यानी ये अपना प्रिय कर्तव्य समझते थे। लेखक लिखते हैं कि मैं करीब 9 साल की उम्र तक सुभान दादा या सुभान खां के कार्यक्रम में जाता रहता था, जब तक कि मैं जनेऊधारी नहीं बन पाया। लेखक ब्राह्मण थे। मुहर्रम हो, ताजिया हो, ईद हो या रमजान हो, या समय समय पर आने वाले उनके घर के छोटे मोटे कार्यक्रम हो, तो उन कार्यक्रम में लेखक का सभी परिवार जाता था। खासकर सुभान दादा लेखक को बचपन में अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाते थे, और उनके घर में बहुत सारे उनके बच्चे, उनके पोते पोतियाँ रहते थे। अर्थात सुभान खां के त्योहारों के बारे में लेखक ने इसमें लिखा है, और हर त्यौहार को बुलाया जाता था। वैसे लेखक का परिवार भी सुभान खां को दिवाली हो, दशहरा हो, या कुछ होली वगैरह हो, उस समय में उनको बुलाते थे। यानी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये भेदभाव भूल के, धर्म ये बाजू में रख कर, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे या किया जाता था। लेखक उनके जैसा व्यक्तित्व पाकर अपने आप को बहुत धन्य मानते, उनके चरणों में जैसे झुक जाते हैं। अर्थात यहाँ ये दिखाया है कि हज की यात्रा करने के बाद, जब लेखक अभी बड़े हो गए थे और सुभान जो दादा है या सुभान खां जो है हज की यात्रा के लिए जाते हैं, और बचपन में कही हुई छोटी सी बात लेखक ने वो बाद में भी याद रखते हैं, और आते समय बहुत ही याद से वो खजूर लेकर आते हैं और लेखक को देते हैं। तो लेखक कहते कि अभी तुम्हें छोटा नहीं रहा था कि उनके कंधे पर चढ़ के उनके दाढ़ी पर उंगलियां घुमाऊँ या प्यार करूँ या उनको भी एक प्यार सी झप्पी दूँ, ऐसी मेरी उम्र नहीं रही थी। सिर्फ मैं इतना कर सकता था कि उनके चरणों में नतमस्तक हो सकता था, वही मैंने किया। सुभान दादा के चरणों में अपने आप को उन्होंने झुका दिया। हज की यात्रा करके आए थे ये हमने देखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो समय आप हज की यात्रा करने के बाद अपना पूरा समय जो अपने अल्लाह का नाम स्मरण करने में ही या नमाज बंदगी करने में ही बिताते थे। उनकी ईमानदारी और दयानीति देखकर चलते लोग उनको पंचायत में बुलाते थे। सुभान दादा का एक अरमान था कि मस्जिद बनवाने का। लेखक के मामा का मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था। अल्लाह ने चाहा और एक दिन उन्होंने बड़ी मेहनत से जो मस्जिद बनवा ली, गांव के लायक एक छोटी सी पर बड़ी सुंदर मस्जिद उन्होंने बनवाई और खूबसूरत थी। सुभान दादा ने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी उसी में खर्च की थी। मस्जिद पूरी उनकी निगरानी में ही बनी, जिसके लिए लगने वाली सारी लकड़ियाँ वगैरह लेखक के बगीचे या लेखक के घर के बगीचे से कुछ लाई गई। मस्जिद बन जाने के बाद उनको न्योता दिया गया, या सभी लोगों को गांव के, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ गए, खाना बनाया गया जिसका उसका अपना अपना, और सबके लिए वो एक तरह से कार्यक्रम रखा था। लेखक लिखते कि ज़माना बदलने लगा था। लेखक शहर में जैसे देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के दंगे आए दिन हो रहे थे। एक ही सड़क पर चलने वाले हिंदू और मुस्लिम एक ही दुकान पर खरीदारी करते थे, सौदेबाजी करते थे, एक ही सवारियों में आते जाते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, एक ही दफ्तर में काम करते थे। लेकिन अचानक इनके सिर पर जैसे शैतान सवार हो गया हो, ऐसे कार्य करने लगे, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे थे। जैसे भगदड़ हो, खून खराबा हो, हत्या हो, मारपीट हो, इस तरह के आए दिन काम पर खबरें लेखक की आती थी। प्रेम, भाईचारा और सरदाता ये जो है, इनके स्थान पर जैसे घृणा, नफरत, विरोध, जैसे हत्या, ये इन लोगों ने ये सान लिया था। अर्थात लेखक ने कहा है कि शहरों के दंगे धीरे धीरे गांव देहातों में भी उसका असर होने लगा, या गांव में भी घुसने लगे थे। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी थी।
लोग एक दूसरे के धर्म पर उंगलियां उठा रहे थे। दोनों धर्मों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े फसाद होने लगे थे। खबर ऐसी फैली थी कि गाय की कुर्बानी सुबहान दादा के गांव में होगी और कुछ मुसलमान मस्जिद में गाय की कुर्बानी होगी ऐसा सुनने में आया था, और सुबहान खां की मस्जिद में कुर्बानी नहीं होगी ऐसा सुबहान खां ने कहा था। ऐसा सुबहान खां ने कहा, लेकिन धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं होती ऐसा कुछ लोग कह रहे थे सुबहान दादा को। क्यों नहीं होगी ऐसा लोगों ने पूछा, और लोग ये भी कह रहे थे कुछ नौजवान अपने धर्म का पालन करने के लिए किसी और धर्म की जो अवहेलना भी करना चाह रहे थे। तब सुबहान दादा उनको समझाते हुए कहते कि मैं हज से आया हूँ और मुझे पता है कि कुरान में भी ये मैंने पढ़ा है, गाय की कुर्बानी जो लाजिमी नहीं है। अरब में लोग जैसे दुम्मे और ऊंट की कुर्बानी अक्सर करते हैं और मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। सुबहान दादा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि वो अपने ही धर्म के विरोध लड़ रहे थे और वो मानवता का रिश्ता निभा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि धर्म तो है ही, लेकिन मानवता सबसे बड़ी है और हम किसी जीव या किसी धर्म का जो पवित्र स्थान है उसको नष्ट करके, उसकी हत्या करके हम अपने धर्म को बड़ा नहीं कर सकते। तो इन्होंने यहाँ पर विरोध किया, सुबहान दादा ने खुद अपने ही मुसलमान भाइयों का विरोध किया, उनको समझाया कि मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। और सुबहान दादा का चेहरा गुस्से से जैसे लाल हो जाता, गुस्से में आ जाते हैं, उनकी हालत देखकर सब चुप रह जाते हैं। कुछ नौजवान जो सुबहान दादा को अलग रहने के कहते कि आप तुम बूढ़े हो चुके हो या आप बूढ़े हो चुके हो, आप मस्जिद का कारोबार हम संभालेंगे, धर्म का काम हम संभालेंगे, आप बाजू हट जाइए ऐसा कहते हैं। हम दिखाते हैं काफिरों को। तब दादा चीखते हुए कहते हैं कि मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी होगी तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुबहान खां ने वही नमाज पढ़ी और मस्जिद के चौखट पर आकर वो बैठ गए और कहा कि मेरी लाश पर होकर कोई भीतर घुस सकता है तो घुसे। आँख उन्होंने मूंद ली और जैसे ही आँख मूंदी उनके गालों पर अश्रुओं की झड़ी लग गई थी और उनकी दाढ़ी जैसे भीग रही थी। लेखक कहते कि मेरा तो जैसे मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे जब मैंने ये पढ़ा। तो सच में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें अपने धर्म के साथ मानवता का रिश्ता निभाना बहुत बड़ा लगता है। और सुबहान दादा ने यहाँ इस में हमें एक सीख दी है कि धर्म हमारे लिए है, हम धर्म के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये बात सुबहान दादा कहते हैं कि मेरे होते हुए मस्जिद में गाय की कुर्बानी नहीं होगी, और उनकी दाढ़ी जैसे अश्रुओं से भीग रही थी। लेकर कहते कि उनका समूचा शरीर जैसे संगमर की प्रति कृति लग रहा था, या जैसे संगमर की मूर्ति सा प्रतीत हो रहा था, जैसे निश्चल हो या निस्पंद हो। और धीरे धीरे मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठा हो रहे थे, पहले मुसलमान बाद में हिंदू भी लोग इकट्ठा हो गए। अब गाय की कुर्बानी का प्रश्न सुबहान खां के अश्रुओं के साथ ही बह गया था। देवदूत इस तरह सुबहान खां भाईचारा को लेकर आते हैं और एक गांव में भाई भाई जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकता का संदेश देते हैं और वहाँ एक खुशहाल जिंदगी उस गांव में जीने लगते हैं। लेखक ने इस कथा के साथ ही एक छोटी सी कथा मुहर्रम की बताई है, जिसमें वे कहते हैं कि उनकी जैसे पत्नी एक बार लेखक को मिलने जेल आई थी, 2 सालों के बाद जेल में आई थी। मिलते ही उन्होंने एक चीज़ हाथ में रखी, वह चीज़ रेशम या सूत से बना हुआ जो धागा होता है, गंडे या उसे दोरा भी कहा जा सकता है। तो हुसैन साहब ने दिया हुआ धागा है ऐसा उन्होंने कहा था। और लेखक कहती कि माँ चली गई है, लेकिन अब भी मिन्नतें निभाई जा रही है सुबहान दादा के द्वारा। और लेखक की पत्नी जानती है कि लेखक नास्तिक है, फिर भी विश्वास दिलाते हुए या शपथ दिलाते हुए कि ये धागा ज़रूर बांध लेना कहती हुए वो जाती है। लेखक ने वह धागा अभी भी संभाल के रखा अपने संदूक में, जिसे देखकर लेखक को 2 घटनाएं ज़रूर याद हो आती हैं। एक घटना ऐसी कि लेखक ने कहा है कि 72 आदमी के सरदार एक हुसैन साहब थे और जिनमें बच्चे और औरतें भी थीं। ऐसी एक कहानी है या कथा है, पता नहीं कितनी सत्य है क्या नहीं, मैंने सिर्फ इसमें पढ़ी है तो उतना ही मैं बता रही हूँ। तो लेखक ने कहा है
आज हज़रत हुसैन साहब को कूफा की गद्दी पर बिठाने के लिए बुलाया था, लेकिन आज उनको चुल्लू भर पानी के लिए भी तक मुहाल कर दिया था। घाट घाट पर पहरे थे, फरात नदी का पानी पीने से उनको मना कर दिया था। दुराचारी या दुरागरी यजीद की सत्ता वहाँ पर थी और यजीद की सत्ता कबूल करने को कहा जा रहा था। बच्चे बूढ़े पानी के लिए तड़प रहे थे और हुसैन साहब को ये कहा गया था कि तुम हमारी सत्ता कबूल करो तभी हम पानी पीने देंगे। एक ओर 72 आदमी और दूसरी ओर दुराचारी यजीद और उसकी सजी सजाई फौज या सेना थी। हज़रत हुसैन और उनका पूरा काफिरा जो है उस घटना में जैसे शहीद हो जाता है, उस घटना को करबला के मैदान में शहादत पाने वाली घटना ऐसी कहा जाता है। तो वो शहादत पाते हैं, शहीद के रक्त से सारा वातावरण लाल हो उठता है, बच्चों और अबलाओं की चीख से वातावरण जैसे थर्रा उठता है। इससे बड़ी दर्दनाक घटना इतिहास में मिलना मुश्किल है, ऐसा लेखक कहते हैं। इसी दिन को मुहर्रम कहा जाता है, ऐसा लेखक ने कहा है। भाईचारा बनाने के लिए इस त्यौहार को बना लिया गया है। दूसरी घटना या दूसरा जो चरित्र है, सुभान दादा का याद हो आता है लेखक को, जिनके कंधे पर चढ़कर लेखक मुहर्रम देखने जाते थे। और लेखक कहते कि मेरा सिर करबला के शहीद लोगों के सामने या शहीदों के सामने नतमस्तक हो जाता है, और दूसरा सुभान दादा के सामने जिनसे सप्रेम नमस्कार किए बिना मैं नहीं रह सकता, उनके चरण स्पर्श किए बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसे दो चरित्र मैंने अपने जीवन में देखे हैं। और यहाँ पर ये जो संस्मरण है या रेखा चित्र है सुभान खां का समाप्त हो जाता है। इससे हमें एक ही प्रेरणा लेनी है कि एक मानवता का रिश्ता निभाने वाला सुभान खां जैसा चरित्र लेखक को बहुत पवित्र लगता है, क्योंकि लेखक हिंदू होने के बाद भी उन्होंने ऐसे चरित्रों को लिखा है जो उनके मन को भा लेते हैं, उनका सिर झुकाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे नतमस्तक चरित्रों को लेखक ने लिखा है। आपकी माटी की मूर्ति इस संस्मरण या रेखा चित्र में, ठीक है। तो यहाँ पर ये संस्मरण समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।